झारखंड विधानसभा चुनाव में हुआ बड़ा उलटफेर, तो झारखंड में अब की बार कांग्रेस जेएमएम की सरकार। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के अब तक जो रुझान सामने आए हैं वो कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। यानी प्रदेश में बीजेपी के अब की बार 65 पार नारे की हवा निकलती दिखाई दे रही है, जबकि जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने की ओर बढ़ती जा रही है। रुझानों से ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में महागठबंधन आसानी से बहुमत के लिए जरूरी 41 का आंकड़ा पाने में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। दरअसल चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक झारखंड विधानसभा के सभी 81 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं और इस रुझान में कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी गठबंधन को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। उधर चुनाव नतीजों पर महागठबंधन में जश्न का माहौल है। कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी की विभाजनकारी नीतियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने क्षेत्रीय दलों को संदेश देते हुए कहा कि जो भी अन्य दल हमारे साथ गठबंधन में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। प्रदेश की जनता और शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए आरपीएन सिंह ने कहा कि नतीजे हमारी उम्मीद के अनुसार हैं और आखिरी फैसला आने तक ये अंतर और भी बढ़ेगा। प्रदेश की जनता ने महागठबंधन पर जो भरोसा दिखाया हम उसके लिए आभारी हैं। झारखंड की जनता और पूरे देश की जनता अब बीजेपी की विभाजनकारी नीतियों से तंग आ चुकी है और उन्हें सबक सिखाएगी। उधर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने का दावा करने वाले सीएम रघुबर दास के सुर भी नरम पड़ने लगे हैं। बीजेपी की उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आने को लेकर सीएम ने कहा कि कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट एक साथ जाने से बीजेपी पर असर पड़ सकता है, एंटी बीजेपी वोट एक साथ जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी विरोधी वोट में बंटवारा न होने के चलते ऐसा हो सकता है। आपको बता दें कि 2014 में आजसू, जेडीयू और एलजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी इस बार अकेले ही चुनाव में उतरी थी, लेकिन सीटों पर तालमेल को लेकर बात नहीं बनने के चलते सभी सहयोगियों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, जिसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में उठाना पड़ा और उसके हाथ से झारखंड की सत्ता फिसल गई। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।